नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोमन साहू। राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर में मूल निवासी संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा अंबेडकर परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, साथ ही लोगों को अनूठा संदेश देने का भी प्रयास किया गया। मूल निवासी संघ छत्तीसगढ़ के संरक्षक और जिला पंचायत सदस्य खेमराज कोसले ने बताया कि कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा था, लोग पेड़ लगाने की तो बात कर रहे थे लेकिन कोई भी इस बात पर अमल नहीं करते दिखे थे, जिसको चरितार्थ करते हुए लगभग 200 वृक्ष इनके संघों के द्वारा लगाया गया। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि शहरीकरण के नाम से पेड़ की अनहद कटाई हो रही है और अभी कोरोना काल में हम लोग ऑक्सीजन के लिए इतना तड़पे हैं, मतलब लाखों जान गंवा चुके हैं हम लोग। और हमारी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ की परंपरा खास रही है कि लोग हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक फलदार वृक्ष तो अपने जीवन काल में लगाते ही थे और उनसे हम प्रेरित होके आज लगातार हम लोग ये संकल्प लेके काम करते हैं कि कहीं ना कहीं हम वृक्ष लगा के लोगों को जागरूक करें और जागरूक करने के साथ साथ में जो लगातार अभी ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जो हमारे पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए एक ही उपाय है कि हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। और अभी कोरोना काल की वजह से जो ऑक्सीजन की जो हमारे जीवन में महत्ता है वो हमने सिखाई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हमारे अंबेडकर परिसर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे पीपल है, नीम है, बरगद है, इस टाइप के पौधे को प्राथमिकता के रूप में लेके कर रहे हैं। और आने वाला जो समय है हम लोग निश्चित रूप से इस जगह को और इस जगह के आसपास कि जो क्षेत्र हैं उनको भी हम लोग एक ऑक्सीजन बनाने का ही संकल्प हमारे जो भारतीय मूल निवासी संघ छत्तीसगढ़ के माध्यम से लगातार प्रयास किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आज से 2 वर्ष पहले 2019 में अभनपुर के युवाओं ने शैक्षणिक सामाजिक जागरूकता और एकता स्थापित करने के उद्देश्य से एक संगठन छत्तीसगढ़ मूल निवासी संघ का गठन किया था। हम लोग एक अच्छा सोच लेके यहाँ वृक्षों पर लगा रहे हैं जिसमें नीम है, पीपल है, कटहल है, इससे क्या है एक ऑक्सीजन बनेगा और कुछ फल भी मिलेंगे और ये काफ़ी बड़े पौधे हैं, इसमें जो छोटे जो जानवर उसे नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, इसलिए पूरा इसमें तार फेंसिंग किए हैं, पानी की व्यवस्था किए हैं, खाद मिट्टी की व्यवस्था किए हैं, ऐसा है। इस संस्था के द्वारा राजिम रोड अभनपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की गई जिसे डॉक्टर अंबेडकर परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज संस्था के सभी सदस्यों ने इस परिसर में 200 पौधे लगाने का कार्य किया है और सभी ने पौधों की देखरेख करने का भी संकल्प लिया है। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक खेमराज कोसले, अध्यक्ष पूनूराम देसलहरे, उपाध्यक्ष हेमलाल ध्रुव, सचिव दीनदयाल बघेल, कोषा अध्यक्ष आनंद राव, मीडिया प्रभारी बुद्धेश्वर बघेल, विजय राव सहित बड़ी संख्या में अन्य सभी सदस्य एवं बच्चे भी उपस्थित रहे। बहुत सही बोल रहे हैं आप। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मूल निवासी संघ नीला मैदान अंबेडकर चौक पे आज संगठन की ओर से विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को लगाने का बीड़ा उठाया गया है। लगभग 200 पेड़ों को लगाने की यह व्यवस्था की गई है। खाद पानी और सारी व्यवस्था संगठन की ओर से देखरेख भी होगा और आज जो समस्या है हवा को लेकर के, वायु को लेकर के, शुद्ध वायु को लेकर के, उसकी समस्या से सब मनुष्य जाति पीड़ित है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, वातावरण पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मूल निवासी संगठन ने यह बीड़ा उठाया है और संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी आज पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जी जी, बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ मूल निवासी संघ अभनपुर के नाम से हमारा संस्था है
विगत 2 वर्षों से हम लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्र के जितने भी मूल निवासी बंधु हैं वह स्वस्फूर्त होकर इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए। और क्षेत्र की एक विशेष समस्या भी थी कि लगातार प्रत्येक गांव स्तर पर जो भी खाली मैदान हैं वो अतिक्रमण के काल में चल रहे थे, तो यहाँ पर आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए एजुकेशनल हब भी बन पाए और विभिन्न प्रकार के जो मूल निवासी परिवार से जुड़े हुए गतिविधियाँ हैं उनके सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूरा करने के हिसाब से भी हम लोगों ने इस स्थान को संरक्षित किया है और ये जो है लगातार यहाँ पर विकास कार्य करने का प्रयास है। इस तहत भूमि का समतलीकरण, उसके बाद तार फेंसिंग और आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टेच्यू का भी अनावरण यहाँ पर माननीय नंद कुमार बघेल जी के कर कमलों से हुआ है और क्षेत्र के समस्त मूल निवासी बंधु इसमें सहभागी हैं और लगातार इस स्थान को डेवलप करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज वृक्षारोपण लगभग 200 पौधे यहाँ पर हम लगा रहे हैं ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी यह प्रेरणा स्रोत स्थल बन सके और उसी तारतम्य में आज सभी एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में ब्रेन स्पाइन व जॉइंट रिप्लेसमेंट की श्रेष्ठ इलाज के लिए समर्पित 200 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की सफलता के 10 वर्ष पूर्ण होने पर सभी डॉक्टर्स, पेशेंट्स, हॉस्पिटल टीम एवं प्रदेशवासियों का आभार।